बिछिया चूड़ियाँ, यह एक सुहागी सामग्री नहीं है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। यह जानकर आपको अचरज होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना नया वीडियो। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु मन से तन से उनका स्वरूप अलग अलग होता है। स्त्री संवेदनशील होती है, तुलनात्मक रूप से पुरुष कठोर होता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे साधन निर्मित किए जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहे। अब आगे चल के यही साधन आभूषणों के रूप में चले गए। तो आइए जानते हैं आभूषणों के बारे में, अर्थात यही साधन आभूषण के रूप में पहने जाने लगे। सर्वप्रथम हम बताएंगे चूड़ी पहनने के फायदे। चूड़ी कलाई की त्वचा से घर्षण करके हाथों में रक्त संचार बढ़ाती है। यह घर्षण ऊर्जा भी पैदा करता है जो थकान को जल्दी हावी नहीं होने देता। कलाई में गहने पहनने से श्वास रोग, हृदय रोग की संभावना घटती है। चूड़ी मानसिक संतुलन बनाने में सहायक है। चटकी हुई या दरार पड़ी हुई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, इससे निगेटिव एनर्जी बढ़ती है। लाल रंग और हरे रंग की चूड़ियाँ सबसे अच्छे असर वाली मानी जाती हैं। अब हम जानते हैं बिछिया पहनने के क्या फायदे हैं। बिछिया, विवाहित महिलाएं पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। यह गहना सिर्फ सार श्रृंगार की वस्तु नहीं, दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोन्स सिस्टम सही रूप से कार्य करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है। बिछिया एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति पर कार्य करती है, जिससे शरीर के निचले अंगों के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां सबल रहती हैं। बिछिया एक खास नस पर प्रेशर बनाती है जो कि गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। इस प्रकार बिछिया औरतों की गर्भधारण क्षमता को स्वस्थ रखती है। मछली के आकार की बिछिया सबसे असरदार मानी जाती है। मछली का आकार मतलब बीच में गोलाकार और आगे पीछे कुछ नोकदार सी। अब हम जानते हैं पायल पहनने के फायदा। पायल महिलाओं के पेट और निचले अंगों में वसा की बढ़ने की गति को रोकती है। वास्तु के अनुसार पायल की छनक निगेटिव एनर्जी को दूर करती है। चांदी की पायल पैरों से घर्षण करके पैरों की हड्डियां मजबूत बनाती है। पैरों में पायल पहनने से महिला की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। यही वजह की औरत अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना पूरी लगन से परिवार के भरण पोषण में जुटी रहती है।